Hello everyone, a very good evening to all my dear students over here. I welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. Here is your Amrita Rawal ma'am. Dear students, today we will the human reproduction chapter of the menstrual cycle topic. Ko complete, And this topic is a very important topic as far as your NEAT examination is concerned and as far as your board examinations are concerned. रीजन बिहाइंड दैट दैट इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम लोगों को दो अलग अलग जगह पर चलने वाले किंतु साइमल्टेनियस इवेंट्स के बारे में बात करनी होती है एंड दीज इवेंट्स आर एक्चुअली लिंक्ड विथ ऑल दॉर्मोन्स ठीक है तो देअर बाय दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर और वी कैन से साइक्लिक इवेंट अपियर्स टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स हाउ एवर इट इज नॉट तो मेन्स्ट्रल साइकिल को बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाने वाली हूं मैं एंड आई डू नॉट वांट एनीवन जिसका कि फोकस इधर उधर चले जाए कहीं और चले जाए मैं चाहूंगी कि पूरे लेक्चर थ्रू आउट द लेक्चर आप लोग जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्टिक हो जाए समझ लें इसको एक एक करके हर एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स को मैं क्लियर करवाऊंगी आफ्टरवर्ड्स वी विल ऑल्सो रीड द एनसीआर टेक्स्ट सो दैट द टॉपिक बिकम्स अ परफेक्ट क्लियर टॉपिक फॉर यू ऑल बिकॉज इसमें मान के चलो हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर बैठता है नीट के अंदर और वो क्वेश्चन इजी होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे उसका गलत आंसर कर देते हैं और ये एकदम सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी क्वेश्चन का गलत आंसर कर रहे हैं और वो एक ईजी टॉपिक है तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्सेप्ट उस टॉपिक के अंदर क्लियर नहीं है या हम लोग जो है कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है ठीक है तो हम यहां पर आज पूरे के पूरे टॉपिक को एकदम ध्यान से समझने वाले हैं ठीक है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली अ इवेंट ठीक है इट इज इवेंट इसीलिए साइकिल बोला और साइक्लिक इवेंट जो ये है इट इज एक्चुअली गोइंग टू अकर इन ऑल द प्राइमेट मेंबर्स ठीक है जब भी हम लोग बोलते हैं प्राइमेट मेंबर्स तो प्राइमेट मेंबर्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन ठीक है और हमारे पास आ जाते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज ठीक है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज ठीक है जिनको हम लोग एब चिंपैंजी एटसेट्रा बोलते हैं चिंपैंजी ठीक है ये सब तो दीज आर गोइंग टू कम अंडर द प्राइमेट्स नाउ विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमेट वी विल स्पेसिफाई दैट दिस पर्टिकुलर साइक्लिक इवेंट विल टेक प्लेस ओनली इन द फीमेल्स ओल्ड वर्ल्ड मंकीज लाइक एप चिमपांजी एटसेट्रा ठीक है एंड द न्यू वर्ल्ड मंकीज नए जमाने के मंकीज हैं उनके अंदर जो होती है साइकिल दैट इज गोइंग टू बी ईस्ट्रस्ट साइकिल ठीक है तो इसीलिए यहाँ स्पेसिफिकली ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जैसे कि एब चम्पाजी वगैरह इनके बारे में बात करेंगे दे विल एक्चुअली हैव द विच इज़ फाउंड इन ऑल द ह्यूमन फीमेल्स एज वेल बट द न्यू वर्ल्ड मंकीज विल नॉट शो दिस साइकिल ओके नाउ वॉट आर द इवेंट्स विच आर गोइंग टू टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर साइकिल इसके अंदर हम लोगों को दो बातें समझनी है ओवरीज जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के अंदर एंड फिर आता डार्क सिस्टम डार्क सिस्टम में आता है फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब के बाद आता है यूट्रस, फिर आता है सर्विक्स फिर आती है बिजानल कनॉल ठीक है ये हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी देख लिए हैं समझ लिए हैं इनकी लोकेशन पोजिशन और इनकी एनाटॉमी हमें मालूम है अच्छे से क्योंकि मैंने लास्ट क्लासेस में आप लोगों को वो पढ़ा दिया ठीक है अब हमें ये समझना है दैट दीज आर द साइक् इवेंट्स विच विल टेक प्लेस रेगुलरली एवरी मंथ ठीक है हर महीने के ये साइक्लिक इवेंट्स हैं एक प्रकार से ठीक है और नॉट नेसेसरी कि मंथ मतलब कि तीस दिन या इकतीस दिन बोला जाए इट विल एक्चुअली वेरी फ्रॉम ट्वेंटी एट डेज टू इट कैन बी फॉर थर्टी थर्टी फाइव डेज ऑल्सो इन केस ऑफ सम ऑफ द फीमेल्स मतलब कि दिन फिक्स नहीं रहेंगे कि इसका रिपीटेशन कितने दिन पे आएगा कुछ एक फीमेल्स के अंदर साइक्लिक इवेंट 28 दिन का हो सकता है कुछ एक फीमेल्स के अंदर वही साइकिल का साइक्लिक इवेंट 30 दिन का हो सकता है किसी में 32 दिन का हो सकता है एंड सो ऑन इट कैन वेरी फ्रॉम फीमेल टू फीमेल ठीक है इट कैन वेरी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स एज वेल कि वो खाते क्या हैं ठीक है उनकी लाइफ कैसी चल रही है आर दे डूइंग सम काइंड ऑफ समाइज और नॉट है ना वट इज द जेनेटिक हिस्ट्री ठीक है इन सब पैरामीटर्स को अफेक्ट पैरामीटर्स के कारण अफेक्ट होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बिहेवियर ओके सो दीज आर गोइंग टू बी सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस साइकिल ठीक है एज यू ऑल आर एबल टू सी राइट ना ओवर हि इज दैट हमें दिख रहा है यूट्रस ठीक है हमें दिख रहा है ओवरी अब देखो ओवरी ने सेकेंडरी ओसाइट बनाया और वो सेकेंडरी ओसाइट आ रहा है आ रहा है आ रहा है ठीक है यहां आ गया है देखो यहां आएगा

एक एक प्राइमरी ओ ऊसाइट को सेकेंडरी ओ ऊसाइट बनाती है सेकेंडरी ओ ऊसाइट को ओव्यूलेशन से बाहर रिलीज कर देती है और ओव्यूलेशन होने के बाद में वो फैलोपियन ट्यूब में कैप्चर होता है फैलोपियन ट्यूब में वो आगे की तरफ प्रोसीड ऑन होता है ठीक है मतलब कि इन फंडिबुलम से एम के फिर इस थमस ऐसे जाएगा लेकिन आ, ये जो सेकेंडरी ओ साइट है ये पॉसिबिलिटी हो सकती है साइमल्टेनियसली स्पर्मेटोजोआ उसको मिल जाए रास्ते में अगर अगर हम बोलेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो तो ठीक है अगर स्टेप हुई हो तो तो नियर ओविलेशन ठीक है पर जाता इसके अंदर और इम्प्लांट होता तो साइकिल आगे की तरफ फिर से वापस प्रोसीडॉन नहीं करती इनफैक्ट वो वही रुक जाती अब कुछ अलग इवेंट होते हैं ठीक है अब इम्प्लांटेशन के बाद के इवेंट होते हैं। पर अगर ऐसा नहीं है तो ये सेकेंडरी ओसाइट अगर यहां पर फर्टिलाइज होके नहीं पहुंचा है ठीक है ओवम बन के नहीं पहुंचा है ठीक है तो फिर पूरी की पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग को शेड होना पड़ेगा ये पर्टिकुलर साइक्लिक इवेंट्स हार्मोन रेगुलेटेड इवेंट्स हैं ये अपने आप नहीं हो रहे हैं दे आर ऑल रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स ठीक है द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल सो दिस इज डन दिस इज वेरी क्लियर नाउ इतना बेसिक इंट्रोडक्शन था अब क्योंकि मैंने हॉर्मोन का बहुत जिक्र किया है यहां पर मुझे आप लोगों को बताना पड़ेगा कि हॉर्मोन्स कौन कौन से हॉर्मोन्स कैसे काम करते हैं ठीक है सो लाइक वी आर गोइंग टू मेक अ प्रॉपर टेबल ऑफ ऑल दार्मोन्स विच आर गोइंग टू इन्वॉल्व और विच आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द मेन्सुर आई एम जस्ट मेकिंग वन टेबल फॉर एवरी वन ओवर हेयर ठीक है और मैं चाहूंगी कि ये जो टेबल है ये सिंप्लीफाइज बना रही हूँ अदरवाइज इसकी टेबल कॉम्प्लेक्स भी बन सकती है काफी ज्यादा उसका रीजन ये है क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स और जो ऐसे कुछ एक हार्मोन फैक्टर्स ग्रोथ फैक्टर्स ये सब में इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं तो जब भी आप कभी किसी आर्टिकल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का आर्टिकल उठा के और उसका फोटोग्राफ देखेंगे तो इट विल अपियर लिटिल बिट डिफरेंट बट एन एंड क्लास ट्वेल्थ लेवल पे हम लोगों को थोड़े बहुत ही हार्मोन से डील करना है और हम उसका ही एक टेबल बना रहे हैं ठीक है तो आपको जो बेसिक बातें बता रही हूँ वो देखते हैं हम लोग हमें यहाँ पे मालूम है कि हाइपोथैलेमस जो है हाइपोथैलेमस हम बोलते हैं इट इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ये सब लोग जानते हैं राइट right? तो हाइपोथैलेमस विल प्रोड्यूस द दोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स ठीक है एंड दोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स विल स्टिमुलेट द एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे वो सो दैट एंटीरियर पिट्यूटरी विल स्टार्ट सीक्रेटिंग टू डिफरेंट हार्मोन्स which are called as gonadotropins in general altogether. However, when we talk about them in individuality, then we say that this hormone will be LH and FSH. So anterior pituitary now starts synthesizing the two hormones called as one will be the luteinizing hormone or LH and one will be the follicular stimulating hormone or FSH. These are the two different हार्मोनस ठीक है नाउ विल गो फॉर वाचिंग दैट व्हाट दिस हार्मोन्स आर गोइंग टू एक्ट अपॉन इनके टारगेट रिसेप्टर्स क्या हैं ठीक है तो द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द एफएसएच वाया ब्लड स्ट्रीम ब्लड से होते हुए दे विल रीच ओवरी एंड इनसाइड द ओवरीज दे विल हैव द टारगेट रिसेप्टर्स ठीक है जहां पर एलएच जो है उसका टारगेट रिसेप्टर बेसिकली थीका लेयर के ऊपर लोकेटेड होता है हमने एक बार कहा था कि थीका लेयर सीक्रेट्स हार्मोन याद करो ठीक है तो दैट थीका लेयर वाज थीका इंटरनल लेयर विच आई सेड दैट वाज अ ब्लड सप्लाई रिच लेयर अ हाईली वास्कुलर लेयर थीका इंटरना ठीक है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विल गो अपॉन एंड रीच द थीका इंटरना वेयर दे विल हैव रिसेप्टर्स ठीक है थीका इंटरना के ऊपर एल के बाइंड होने के लिए कुछ एक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं एल एच एल एच रिसेप्टर पे बाइंड करेगा जाके लेकिन कौन सी लेयर के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है इंटरना ठीक है तो थीका इंटरना पे जाके ये एक्ट करेगा और इट विल एक्ट ऑन एक्ट ऑन रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन ठीक है ये प्रेजेंट का मतलब ये है ठीक है दिस इज प्रेजेंट ओके प्रेजेंट ऑन थी का इंटरनल एंड एफ एस एच का क्या सीन रहेगा तो एफ एस एच विल गो एंड इट विल एक्ट ऑन द्रैन्युलसा सेल्स मेनली ठीक है ग्रैन्युलसा सेल्स के ऊपर अरे इधर क्यों लिख दिया द्रैन्युलसा सेल्स मेनली मतलब कि एफ एस एच जाके और ग्रैन्युलसा सेल्स के ऊपर काम करता है ठीक है अब मैं बताती हूँ कि क्या होगा इसके आगे एक मिनट एक्ट ऑन ग्रेन्यूलोसा सेल्स हमें पता है ना ग्रेन्युलसा सेल्स कौन से थे जो हमने क्यूबॉइडल सेल्स बनाए थे प्राइमरी uh, ओसाइट well, right? so, है ना वर सराउंड से राइट सो दो वी आर टॉकिंग अबाउट ठीक है ना वॉट विल है रिजल्ट एल एच के थीका इंटरना के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स पे बाइंड होने के कारण से थीका इंटरना कुछ एक स्टेरॅडल हॉर्मोन्स बनाती है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे के थ्रू ये हॉर्मोन्स कौन से होते हैं अब तुम लोग शौक मत होना लेकिन रियलिटी यही है कि यहां पर थीका इंटरना विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द एंड्रोजन लाइक टेस्टोस्ट्रॉन ठीक है तो बच्चे सोचते हैं मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंड्रोजन किधर से आन पड़ा ठीक है पर टेस्टोस्ट्रॉन आएगा अभी एक आ, ऐसा है कि दीज आर ऑल द स्टेरॅड हार्मोन्स जो कि इंटरकन्वर्टेबल है जैसे कि ग्लूकोज है अगर मान लो तो अभी ग्लूकोस ट्रर्ड हॉमोन नहीं है सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को हम लोग फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं ना ग्लूकोज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट आइसोमरीज है ग्लुकोस, ग्लुकोस, ठीक है वैसे ही करके क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे मॉलिक्यूल्स इंटरचेंजेबल होते हैं जिसमें एंड्रोजन जो रहते हैं दे विल दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट इन टू द फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑफ द एंजाइम्स सिमिलरली द प्रोजेस्ट्रॉन इज एबल टू कन्वर्ट इंटू द टेस्टोस्ट्रॉन विद्प ऑफ सम की मदद से यह आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं ठीक है तो आप देखते हैं एंड्रोजन बन गया लेकिन इसके रिक्वायरमेंट तो यहां पर नहीं है फिर क्या करें देखते हैं आगे क्या होगा ग्रेन्यूल सेल्स क्या करते हैं तो दे विल स्टार्ट सीक्रेटिंग सम ऑफ द थिंग्स विच वन इज गोइंग टू बी एस्ट्रोजन डेफिनेटली ठीक है ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं डायरेक्टली बनाते हैं एस्ट्रोजन और दूसरी चीज जो वो बनाते हैं वो होता है इनहिबिन ठीक <coughs> है इनहिबिन ठीक है इनहिबिन एक नेगेटिव फीडबैक छोड़ेगा कि अच्छा बहुत सारा एस्ट्रोजन बन गया है तो अभी क्या मत बनाओ अभी मत बनाओ एफ एस एच तो एफ एस एच को इनहिबिट करता है मोस्टली कौन इनहिबिन तो दिस विल इनहिबिट दी एफ एस एच सिंथेसिस फर्दर एफ एस एच मत बनाओ ये बात ठान लो कि वेदर इट इज मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है इन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिस्टम दी सॉरी दिन दिन हॉर्मोन जब भी ये नाम अपने सामने आता है एनेबिन ऐसा क्यों लिखवा रही हूं नोट क्योंकि क्वेश्चन का पॉइंट है ठीक है दिन ऑलवेज ऑलवेज इनिबिट्स एफ एस एच ठीक है एफ एस एच ठीक है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो अगर इनिबिन नाम का हॉर्मोन आता है हमारे सामने तो वो एक इनिबिट्री इंपैक्ट छोड़ता है एफ एस एच को नहीं बनने देता है ठीक है फर्दर और ज्यादा इतना आया समझ में सभी को अब इसका क्या करें ये कहां से इसको क्या करें हम लोग एंड्रोजन को अगर एंड्रोजन एस एच फॉर्म में रहता है तो 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 फिर फीमेल के अंदर मस्किलइन कैरेटरिस्टिक्स आ जाएंगे ठीक है जैसे कि मसल्स का बहुत ज्यादा बनना एग्रेसिव बिहेवियर ठीक है और हम बोलेंगे कि लो पिच वॉइस या लाउड वॉइस तो ये सब कैरेटरिस्टिक्स बियर्ड माउथस टैचेस विच एक्चुअली नो फीमेल विल वॉन्ट डेफिनेटली ठीक है तो एंड्रोजन विल एक्चुअली कन्वर्ट बैक इन टू द एस्ट्रोजन विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एंजाइम कैटेगरीज विच आर कंबाइंडली कॉल्ड एस एरोज एरोमेटेज ठीक है तो एरोमेटेज एंजाइम की मदद से ये ही एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा तो बेसिकली हमें बढ़ने के direct, direct के तौर पे बढ़ता है। मैं आप लोग को हार्मोन पाथवे समझा रही हूं ठीक है इसी को हम लिंक करेंगे डायरेक्ट तो रिजल्ट के, के तौर पर एस्ट्रोजन बढ़ता है करेक्ट बात है एस्ट्रोजन बढ़ता है एल के बढ़ने के इनडायरेक्टली

एंड विल इनिबिट दि फॉर्मेशन ऑफ फर्दर एल एच ठीक है हालांकि ये चीज बाद में होगी इसीलिए मैं इस वाले एरो को मिटा देती हूं रुको आप लोगों को यहां पर मुझे आ, आ, थोड़ा सा एक आध पॉइंट को क्लियर और करना पड़ेगा वो ये है कि कॉन्सेंट्रेशन बेस्ड तरीका क्या होता है एस्ट्रोजन के काम करने का कि एस्ट्रोजन अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है तो वो स्टिमुलेटरी हो सकता है एल के सिंथेसिस के लिए और लो कॉन्सेंट्रेशन में तो इसलिए मैं अभी अवॉइड करके चलने के लिए बोलती हूं इसको हम आगे समझते हैं ठीक है चलो तो इतनी बात हमारी पूरी क्लियर हो गई है एस्ट्रोजन बन गया फाइनली ठीक है ही समझ आया एंड एस्ट्रोजन विल नाउ स्टिम्युलेट ग्रोथ ऑफ स्टिम्युलेट फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल Characters, characters, okay, and and uh, secondary sex organ functioning, yeah, maintenance functions, okay. So these are some of the basic things which we have gone through. What are the uh, hormones and how they will be acting upon in case of the female reproductive system? Now, uh, are you all able to see this image?

एंड इसके जस्ट बाहर की जो लेयर हमें दिख रही है अंदर वाली और बाहर वाली दो है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना मैं रेड बना रही हूं उसको जिसको मैंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा वॉस्किलर होती है और ये है थीका इंटरना ठीक है इस दो लेयर के बारे में मैं बात अभी कर रही हूं तो मैंने बोला कि ये वाली हमारी थीका इंटरना है ठीक है और ये वाली जो है हमारी ये है हमारी ग्रैनुलोसा सेल्स ठीक है तो अब देखो क्या हो रहा है तो अब देखना एल एच आ रहा है एल एच के रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है थीका इंटरना की लेयर पे यही बताया थोड़ी देर पहले मैंने कि एल एच के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ठीका इंटरना की लेयर पे वो आके बाइंड करेगा और वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस पाथवे से बनाएगा एंड्रोस्टीन डायऑन या एक प्रकार का एंड्रोजन ठीक है ये एंड्रोस्टीन डायऑन जो है ये डिफ्यूज होकर ग्रेनुलसा लेयर में आ जाएगा और यहां आने के ऊपर एरोमेटेज नाम के एंजाइम के कारण से ये एंड्रोस्टीन डायऑन या एंड्रोजन जो है ये एस्ट्रोजन में या एस्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा जो कि फाइनली एस्ट्रोल में कन्वर्ट होगा मतलब एस्ट्रॉन एस्ट्रोडायल ये सबके सब, सब एस्ट्रोजन डेरेवेटिव हैं ठीक है वहीं हम देखते हैं कि जो हमारे पास में ग्रेनोजर सेल्स हैं इसके अंदर एफ के टारगेट रिसेप्टर्स होते हैं एफ एस आके बाइंड करता है और डायरेक्टली एस्ट्रोजन बनवाता है ठीक है तो क्या ये पहले जो मैंने बताए थे वो दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि एल के रिसेप्टर्स होते हैं थीका इंटरना के ऊपर एल एच एंड्रोस्टीन डायन की प्रोडक्शन करवाता है थीका इंटरना में जो कि पहुंच जाता है ग्रेनलोसर सेल्स के पास एफ एस एच जो है ऑन दी अदर हैंड उसके receptors होते हैं लेयर के अंदर ही और वो जाके बाइंड करता है जब भी granulosa cells के ऊपर, तब हमेशा ही वो एस्ट्रोजन को करता है, ठीक है? ठीक फिर वो से आने वाले estrogen को भी एरोमेटेज एंजाइम की मदद से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है ठीक है इतना सबके दिमाग में बैठ गया होगा शायद है ना तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के हार्मोन्स के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है बधाई हो आप लोगों को ठीक है क्योंकि हॉर्मोन्स ही नहीं समझ में आते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहीं आती है अगर ये बहुत क्लियरली समझ में आ जाए तो क्या दिक्कत है पूरी साइकिल समझ में आ जाएगी ठीक है नाउ स्टार्टिंग विद अ मेंस्ट्रल साइकिल मेंस्ट्रल साइकिल में थोड़े बहुत बेसिक पॉइंट समझाऊंगी पहले उसके बाद ही हम लोग ये जो लिखा हुआ है ये पूरा पढ़ना चालू कर सकते हैं ठीक है तो आई विल राइट सम ऑफ द थिंग्स फॉर यू ऑल ओवर हेअर राइट नाउ इज वन वी आर गोइंग टू सी दैट वॉट इज मैंस्ट्रल साइकिल एंड वॉट आर द टू डिफरेंट लोकेशंस वेयर द साइकिल इज टेकिंग प्लेस ठीक है ओके नाउ देर आर देर इज बेसिकली ओवरी ठीक है एंड देर इज बेसिकली यूटरस वेयर साइमल्टेनियसली सम ऑफ द इवेंट्स विच आर द इंटर कनेक्टेड इवेंट्स आर टेकिंग प्लेस मतलब कि एंटीरियर पिट्यूटरी ने कुछ कुछ करने के लिए बोला ओवरी को तो ओवरी ने कुछ कुछ करने के लिए बोला यूटरस को मतलब कि यहां पर बिल्कुल लिंक बैठा हुआ है ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे हैं ये डिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और ये डिपेंडेंटली काम कैसे कर रहे हैं वो हम देखेंगे तो ओवरी में चलने वाले इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे ओवेरियन इवेंट्स ठीक है ओवेरियन इवेंट्स और यूट्रस में चलने वाले इवेंट्स को हम लोग बोलेंगे यूटराइन इवेंट्स यूटराइन इवेंट्स जिन इवेंट्स के नाम अलग अलग हैं ठीक है तो ओवरी में जो इवेंट्स चल रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स एल एच एंड एफ एस एच ठीक है तो मैं यहां लिखती हूं इन इन्फ्लुएंस ऑफ किसके इन्फ्लुएंस में इसके अंदर इवेंट चल रहे हैं इन इन्फ्लुएंस ऑफ एल एच एंड एफ एस एच यहां पर इवेंट चल रहे हैं और यूट्रस में इवेंट किसके बोलने पर चल रहे हैं जो हार्मोन ओवरी ने बनाए मतलब कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ठीक है तो इन इन्फ्लुएंस ऑफ इन इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ठीक है तो बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो प्रोजिस्ट्रॉन लिखा ही नहीं पहले वाले में सिर्फ एस्ट्रोजन का वर्णन किया है उसी का डिस्क्रिप्शन दिया है उसका सिर्फ ये रीजन है कि ग्रेन्युलोसर सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर जब पहुंच जाएंगे या कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर प्रेजेंट ग्रेन्युलोसर सेल्स जो हैं वो बनाते हैं प्रोजेस्ट्रॉन ठीक है तो अब थोड़े बहुत पॉइंट्स और हमारे सामने अलग आएंगे लेकिन ओवरी में जो इवेंट्स चल रहे होते हैं इनके नाम क्या क्या हैं ठीक है तो ओवरी के अंदर चलने वाले इवेंट्स के नाम कुछ इस प्रकार से हैं एक होता है हमारे पास में फॉलिकुलर फेज ठीक है फिर होता है हमारे पास में ओव्यूलेटरी फेज ठीक है और फिर होता है हमारे पास में ल्यूटियल फेज phase. ये फेजेस आती हैं ओवरी में और यूट्रस में क्या आते हैं यूट्रस में आते हैं menstrual फेज ठीक है फिर आती है proliferative फेज और फिर आती है सीक्रेटरी फेज ठीक है और यहां शुरू होती है सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चे जो रहते हैं वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि किसको किसके ऑब्लिक में लिखना है ठीक है लेकिन मैं बता देती हूं हम लोग जब साइकिल पढ़ेंगे तब हम लोग इन सबको देखेंगे कि इनके डेज और ओवरी में चलते समय और यूट्रस में चलते समय कहां पर मैच बैठ रहा है सिर्फ उसी को ओब्लिक लगा के अपन साइमल्टेनियसली लिख सकते हैं जैसे कि काफी लोग जो है फॉलिकुलर फेज को ही प्रोलिफरेटिव फेज बोल देते हैं परंतु तरीका सही नहीं है आप लोग को समझ आ रही है, बात। ओवरी में हो रहा है वो, फेस। उसके ये एक तरीका सही नहीं माना जाएगा कभी भी ठीक है तो अब हम देखते हैं साइकिल को यहां पर ध्यान से देखो तो साइकिल में काफी सारी चीजें समझेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग कि हम पॉइंटर का इस्तेमाल करें ज्यादा खिचपिच ना हो इस डायग्राम में ओके okay, स्टार्टिंग तो मैंने कहा कि नाम के जो रहते हैं, मतलब कि और रहते हैं वो बनाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और एफ एस एच हारमोन जो है जाके ओवरी के ऊपर बाइंड करेंगे और हमने उनकी बाइंडिंग लोकेशंस देख ली ऑलरेडी उनके रिजल्टेंट तौर पर एस्ट्रोजन बन रहा था इतनी बात याद है तो हम देखेंगे पहले तो एफ का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा हुआ ही था ठीक है पर थोड़ा और बढ़ा ठीक है अब ये एफ बढ़ने के कारण से क्योंकि हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है किसका बढ़ रहा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है इसके रिजल्टेंट तौर पर क्या हो रहा होगा ठीक है वन बाय वन इवेंट देखो फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन इसके रिजल्टेंट तौर पर ये फॉलिकल जो कि प्राइमरी फॉलिकल है ये सेकेंडरी फॉलिकल में टर्न हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल में टर्न हो जाएगा ठीक है मैच्योर मतलब टर्सरी फॉलिकल में टर्न हो जाएगा सेकेंडरी ओ साइट बन चुका होगा फिर ये ग्राफियन फॉलिकल में टर्न हो जाएगा और ग्राफियन फॉलिकल जो है वहां तक की फेज में मतलब कि बढ़ने की स्थिति हो रही है मतलब कि फॉलिकल छोटू साइज से बड़े साइज में कन्वर्ट हो रहा है पहली बात तो और दूसरी बात प्राइमरी ओ साइड अपना मियोसिस वन कंप्लीट करके सेकेंडरी ओ साइड बन जा रहा है फॉलिकल के अंदर इस पर्टिकुलर फेज में हमने क्या नोटिस किया कि फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है और वो कौन प्रमोट कर रहा है वो प्रमोट कर रहा है एफएसएच ठीक है तो हमें पहला पॉइंट समझ में आना चाहिए कि क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है इसीलिए फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ठीक है फिर सेकेंडरी ओसाइड बनने के बाद में ग्राफियन फॉलिकल बन जाना इतना समझ आया ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट जो हमें समझना है साइकिल से ठीक है मैं कभी भी ऐसा नहीं बताती कि ये वाली पीक देख लो फिर ये वाली देख लो अब ऐसा हो गया वैसा हो गया ऐसा नहीं हमको पूरा इवेंट वाइज चलना चाहिए इस साइकिल के अंदर ठीक है सेकेंड पॉइंट देखते हैं ये फर्स्ट पॉइंट हमारे समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट देखते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट डायग्राम में बताया था कि जब भी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर भी बढ़ता है और क्योंकि फॉलिकल्स में ग्रैनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ रहा है तो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा और वो है एस्ट्रोजन सिंपल सी बात हो गई कि एफ के लिंक के कारण से एफ के बढ़ने के कारण से एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ओवरी में ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगी और इसीलिए हम देखते हैं कि एस्ट्रोजन की हमारे सामने एक पीक आ रही है क्योंकि FSH का लेवल बढ़ रहा है ठीक है अब मैंने यह भी कहा था आप लोगों को कि एस्ट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट तरीके से काम करता है तो मैं यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूं देखना ठीक है हाई कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन ऑफ एस्ट्रोजन ठीक है स्टिमुलेट्स स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एल एच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ज्यादा ही एस्ट्रोजन अगर हो जाएगा तो वो एल के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा मतलब कि क्योंकि सेकंड पॉइंट पर हमने देख लिया यहां पर कि क्योंकि हमारे सामने इधर एस्ट्रोजन बढ़ रहा था ठीक है इधर एस्ट्रोजन बढ़ रहा था इस कारण से एल का पीक आया एस्ट्रोजन के हाईएस्ट कंसेंट्रेशन पे एल का हाईएस्ट कंसेंट्रेशन है

और जैसे ही एल एच की पीक आती है वैसे ही ये फॉलिकल जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल वो रप्चर हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन है ठीक है ये बेसिकली एक प्रकार से हम बोलेंगे कि इन साइड फॉलिकल इन साइड फॉलिकल प्रेशर को बढ़ाता है वाटर के प्रेशर को बढ़ाता है ठीक है और वो जो हमारे पास में एंट्रल फ्लूड प्रेजेंट था उसके प्रेशर को बढ़ाता है और प्रेशर इतना बढ़ता है कि अंदर से फॉलिकल रप्चर होके और सेकेंडरी से बाहर रिलीज हो जाता है तो ये सेकेंडरी ओसाइट बाहर रिलीज हो गया और इसी को बोलते हैं हम लोग ओव्यूलेशन ठीक है और ओव्यूलेशन होने के बाद में सेकेंडरी ओसाइट के रिलीज होने के बाद में क्या परिस्थिति बनती है तो हम भी जानते हैं कि सेकेंडरी ओसाइट जब बन जाएगा तो रिलीज होके वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा और फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर उसको साइमल्टेनियसली स्पर्मेटोजोआ मिलता है तो ही फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है ठीक है 24 फोर आवर्स की विदिन की बात हो रही है और अगर नहीं मिलता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें थोड़े टाइम के बाद में रिपीटेशन आना जरूरी पड़ेगा क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है उसको शेड होना पड़ेगा ठीक है तो अभी हम ये देखते हैं इसकी परिस्थिति को पहले तो कि फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या करें तो इसीलिए ओविलेशन होने के तुरंत बाद में तुरंत बाद में रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो कि कॉर्पस ल्यूटियम का बाकी कुछ था ग्राफियन फॉलिकल का जो बाकी स्ट्रक्चर था ये वाला

राजकम ठीक है और ये जो कॉर्पस है ना ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि खून हुआ हुआ। तो 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 निकलेगा ना तो ऐसे थोड़ा सा ब्लड निकलेगा और वो स्ट्रक्चर रेड अपियर करेगा टेम्प्री मोमेंट ऑफ टाइम के लिए ठीक है तो इसको हम लोग देते हैं कॉर्पस हीमो मतलब के लिए लाल सा दिखता है खून से सना हुआ दिखता है और उसके बाद ये ब्लड जो है ये डिसअपियर हो जाएगा और फिर बाकी बचे हुए स्ट्रक्चर को हम लोग अब बोलेंगे येलो अपियर करने के कारण से कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखने के लिए जिस हार्मोन के रिक्वायरमेंट है उस हार्मोन का नाम है आपका कॉर्पस uh, ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए जिस हार्मोन के रिक्वायरमेंट है उसका नाम है आपका एल ठीक है तो एल एच हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को टेम्प्री मोमेंट ऑफ टाइम के लिए मेंटेन रखेगा ठीक है कि शायद फर्टिलाइजेशन हो जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम को क्यों मेंटेन करना पड़ रहा है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही एक हार्मोन बनाता है और उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन ठीक है तो देखो जहां से हमारे सामने कॉर्पस ल्यूटियम आया ना वहीं से हमारे सामने प्रोजेस्ट्रॉन की भी पीक आना स्टार्ट हुई लेकिन मैं ये क्या देख रही हूं मैं ये देख रही हूं कि मेरे पास में एस्ट्रोजन की भी एक पीक आ रही है दोबारा से तो अब आपको ये इशारा समझना चाहिए कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन ही नहीं बल्कि वो एस्ट्रोजन भी सिंथेसाइज करता है हालांकि एस्ट्रोजन का कंटेंट कंपेरेटिवली कम, कम है लेकिन तब भी उसका काफी ज्यादा इतना तो है ही कि उसकी पीक अपियर हो ठीक है तो वी आर एक्चुअली एबल टू तो से ओवर कि हमारे पास में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों के ही पीक हमारे सामने आ जाएंगे ह्योर ठीक है ह्योर

यूटरस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो भी थिक होती जाती है थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होती है और यूटरस के अंदर ब्लड सप्लाई विद द हेल्प ऑफ स्पाइरल आर्टरीज गोल गोल घूमती हुई आर्टरीज आ रही होती हैं और इनके थ्रू ब्लड सप्लाई जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है ठीक है तो वी आर एबल टू सी दैट इधर इधर ये स्पाइरल आर्टरीज जो आ रही हैं दे आर ट्राइंग सप्लाई मोर ब्लड टू द यूट्रल एंडोमराइन एंडोमेटेरियल लाइनिंग ठीक है ये चीजें हो रही है और भी एक चीज हो रही है इस फेज में वो है प्रोलीफरेशन तो हो ही रहा है मतलब कि एंडोमेटेरियल लाइनिंग थिक तो हो ही रही है एक और चीज हो रही है कि ग्लैंड बनने चालू हो गए परंतु तो ग्लैंड अपनी सिक्रेशन नहीं दे रहे हैं सिर्फ ग्लैंड बनने चालू हो गए ये वाला हमें पॉइंट यहां पर समझना है ठीक है तो प्रोलीफरेटिव फेज में थिकनिंग ऑफ एंडोमेटेरियल लाइनिंग हुई स्पाइरल आर्टरीज ने उनको सप्लाई भी किया और ग्लैंड का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो गया ग्लाइंड की सिक्रेशन स्टार्ट अभी नहीं हुई

इनकी सीक्रेशन आके और पोर होना चालू हो जाएंगी इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ऊपर और क्योंकि इस ग्लैंड की सीक्रेशन आके पोर होना चालू हो रही है इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ऊपर हम लोग बोल देंगे इस फेज को सीक्रेटरी फेज तो दिस फेज विल नाउ बी कॉल्ड सीक्रेटरी फेज दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है लेकिन इसमें फिर अब बात आ रही है कि हम जो सब पढ़ चुके हैं मैम वो हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं इतना सारा चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है देयर फोर आई विल मेक अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल टेबल फॉर द क्विक रिविजन ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट ओवर हेयर राइट नाउ ठीक है तो देखते हैं यहां पर क्या आएंगे पॉइंट्स यहां पर हम लोग देखते हैं द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाज द फर्स्ट हार्मोन व्हिच वाज टू राइज और इट वाज सीक्रेट फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ठीक है तो फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन बढ़ने के कारण से बढ़ने के कारण से हम बोलेंगे कि ओवरी के फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है ओवेरियन फॉलिक्यूलर ग्रोथ ओवेरियन फॉलिक्युलर ग्रोथ ठीक है बिकॉज ऑफ विच बिकॉज ऑफ विच द एस्ट्रोजन कंटेंट वॉज रेज ठीक है बट द एस्ट्रोजन कंटेंट was raised up, but we will say more and more estrogen content, more and more estrogen content led to the rise of the hormone levels LH. ठीक है। LH के ज्यादा होने के कारण से हम बोलेंगे कि ovulation हुआ। Ovulation होने के बाद में secondary oocyte का हो गया release। लेकिन on the other hand हमने देखा रिमेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्टेड टू कन्वर्टेड टू कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम ठीक है हीमोराजिकम वाला स्टेप बीच में है मालूम है ना सबको ठीक है कॉर्पस ल्यूटियम इट विल नाउ स्टार्ट सीक्रेटिंग द टू हार्मोन कॉल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल थोड़ा ज्यादा है एस्ट्रोजन का भी ठीक ही है ठीक है इतनी चीजें हो रही है इस समय पर जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ रहा था तो हमने देखा कि फॉलिकुलर फेज आई एस्ट्रोजन बढ़ने के कारण से हमने देखा यहां पर लिख देती हूं यहां पर आएगी फॉलिकुलर फेज एस्ट्रोजन बढ़ने के कारण से हमने बोला कि यूट्रस के अंदर जो फेज आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलीफरेटिव है. के बढ़ने के कारण से हुआ था ओविलेशन ठीक है ओविलेशन हुआ था कॉर्पस ल्यूटियम के एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस करने के कारण से सीक्रेटरी फेज दिखेगी और कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के कारण से ओवरी में ल्यूटियल फेज दिखेगी ठीक है तो ये एकदम सिंप्लीफाई हो गई सारे के सारे पॉइंट्स अब अगर आप लोग ये सारे पॉइंट्स को इस टेबल के साथ में रिलेट करके पढ़ेंगे तो इट विल बिकम द इजिएस्ट टॉपिक फॉर यू ऑल एंड आई कैन बेट ओवर इट ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसके अंदर एनसीईआरटी क्या बोलती है इसको हम लोग क्विकली फटाफट से देख लेते हैं दस पंद्रह मिनट के अंदर टॉपिक विल कंप्लीट ठीक है चलो अभी एनसीईआरटी की लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट देर बाय हम इसको एक एक पॉइंट को रीड करके समझ रहे हैं ठीक है तो अभी देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं ये छोटे बच्चे हैं द फीमेल्स आर एक्चुअली एंजॉइंग द चाइल्डहुड द अर्ली चाइल्डहुड हुड ठीक है वे दे आर एक्चुअली सम वर्ट वी कैन से एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व इयर्स थर्टीन ईयर्स और सो ठीक है बट एज सोन एज 13 टू so, 14 ईयर्स ऑफ एज इज अचीव्ड 13 टू 14 ईयर्स ऑफ एज इज अचीव हम बोलते हैं तेरह से चौदह साल की उम्र में जो है मेंस्ट्रुएशन बिगिन होता है और इस पर्टिकुलर स्टेज में पहली बार साइकिल के बिगिन होने को बोलते हैं मेनार्क मेनार्क और मेंस्ट्रुएशन एक लाइफ टाइम इवेंट नहीं है वो एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे आने के बाद में एक एज के ऊपर स्टॉप हो जाएगा और उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज और मेनोपॉज के बाद में Uh, बोलेंगे फर्टाइल नहीं बचेगी फीमेल ठीक है क्योंकि उनके अंदर कोई फॉलिकल की ग्रोथ नहीं हो रही है कोई सेकेंडरी ओसाइड का फॉर्मेशन भी देखा नहीं जा सकता मतलब कि ये चौदह से लेकर दो पैंतालीस और पचपन साल तक ही फीमेल की एक फर्टाइल एज होती है ठीक है तो यहां देखो ये वाले पॉइंट से समझते हैं द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स एग्जाम्पल मंकीज में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एप्स ठीक है एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज मेन्स्ट्रूल साइकिल फर्स्ट मेन्स्ट्रेशन बिगन एट प्यूबर्टी इज कॉल एस मेनार्क इतना आ गया हर फीमेल के अंदर औसतन जो डेट जिसके अंदर साइकिल वो होता है एवरेज इंटरवल ऑफ ट्वेंटीबल यहां मैं लिख देती हूँ इट इज वेरिएबल फीमेल टू फीमेल इट विल वेरी ठीक है एंड द साइकिल ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेन्स्ट्रेशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड साइकिल मतलब की एक बार अट्ठाईस दिन की साइकिल हुई फिर अगली बार साइकिल हुई ये ये जो टाइमिंग है ड्यूरेशन है पहली और अगली बार की चालू होने के बीच में उसको ही हम एक साइकिल बोलते हैं ठीक वन ओवम इज रिलीज ओव्य होता है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ एज मेंस्ट्रुअल साइकिल वी कैन से एट अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन टू फिफ्टी थर्टीन टू फोर्टीन डे जनरली फोर्टींथ डे बोल देते हैं ठीक है जनरली अट्ठाइस दिन की साइकिल के अंदर या उनतीस दिन की साइकिल के अंदर फोर्टीन डे इज अ डे ऑफ ओवरेशन मोस्टली पर डे ऑफ ओविलेशन इज अ वेरिएबल पैरामीटर ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहां पर यह देखो द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर जो कि एनसीईआरटी ने फिगर दिया हुआ है उसमें ये नहीं दिया हुआ है ठीक है जो एनसीईआरटी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिगर बना रखा है उसमें द साइकिल स्टार्ट्स विद इन द विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर थ्री टू फाइव डेज ठीक है मेंस्ट्रुअल फ्लो एक से तीन या एक से पांच दिन तक चलता है शुरुआत में यूट्राइन इवेंट के अंदर जो कि हमने यहां देखा देखो ये वाला दिस दिस वन ठीक है कैन बी टू और डेज अकॉर्डिंग टू दी एनसीआर क्यों हो रहा होगा ये इसलिए हो रहा है कि कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर मेंटेन नहीं रख पाए क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवुलेशन होने के बाद में वो सेकेंडरी ओसाइट का तो बेसिकली एक तरीके से वो खत्म हो गया ठीक है और वो फर्टिलाइज हुआ नहीं क्योंकि साइमल्टेनियसली स्पर्म की एंट्री नहीं हुई और फर्टिलाइजेशन का इवेंट नहीं बना ठीक है अगर नहीं बना तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का कोई प्रोस्पेक्टिव भी नहीं बैठता है तो नहीं बैठता है इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो साइज में छोटा होता जाएगा और हम बोलेंगे रिग्रेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम और रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होने के कारण से प्रोजेस्टॉन का कंटेंट भी धीरे धीरे कम होते जाएगा और प्रोजेस्ट्रॉन की कंटेंट को डिक्रीज होने के कारण से के डिक्रीज होने के कारण से ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो कि मेंटेन थी प्रोलिफरेटेड सीक्रेशन भी दे रही थी उसको वापस से शेड होना पड़ेगा और ये शेडिंग को ही बोलते हैं मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन, विच इज गोइंग टू लाई और विच इज गोइंग टू लास्ट फॉर वन टू थ्री और वन टू फाइव डेज इन जनरल फीमेल्स ठीक है विच मे लास्ट फॉर मोर डेज ऑल्सो इन केस ऑफ सम फीमेल्स

हो रहा है मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है ठीक है ये हम उससे रिलेट कर सकते हैं आप देखो यहां पर पॉइंट मैंने ये वाला फोटोग्राफ इसलिए लिया क्या हम समझ पाए कि प्रोलीफरेटिव फेज में ये स्पाइरल आर्टरी वगैरह बन रही है दिख रही है सबको ये ब्लड वेसल्स है ना दिस ब्लड वेसल्स आर टेकिंग दे आर फॉर्मिंग ठीक है देखो ये अच्छी खासी ब्लड वेसल सप्लाई है है ना प्रोलीफरेटिव फेज में ग्लैंड्स भी बन गए हैं हमको दिख रहे हैं ग्लैंड्स ये अंदर की तरफ ग्लैंड्स दिख रहे हैं ठीक है ओके फॉर्म्ड ग्लैंड फॉर्मड ठीक है अगले फेज में देखते हैं सीक्रेटरी फेज में क्या सीन दिख रहा है स्पायरल आर्टरी तो सप्लाई कर ही रही है पर ग्लैंड के अंदर सीक्रेशन बनना चालू हो गई और ये सीक्रेशन बाहर की तरफ पोर हो रही होगी ठीक है और फिर फाइनली हमने क्या देखा मेंस्ट्रुअल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज में हम ये बोलेंगे कि क्योंकि एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन रखने के रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा रिग्रेस छोटा हो जाएगा साइज में और प्रोजिस्टॉन का लेवल हो जाएगा डाउन और अगर हो गया लेवल डाउन तो ऑटोमेटिकली इसकी शेडिंग हो जाएगी अब मुझे खुद बताओ कि अगर ब्लड वेसल सप्लाई जहां हो रही थी उस पर्टिकुलर लेयर की शेडिंग होती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड विल अपियर इन वी कैन से ब्लड विल ब्लड विल फ्लो फ्रॉम द वेजनल कैविटी ठीक है टू द आउटसाइड टू द एक्सटीरियर एंड दिस इज कॉल्ड एज मिस्ट्रुएशन होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ ठीक है तो नेक्स्ट देखते हैं लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन अब ऐसा पूछा जाए अगर कि किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो क्या ये प्रेगनेंसी को इंडिकेट करेगा ठीक है तो क्योंकि हमने कहा था कि मेंस्ट्रुएशन है ठीक है तो फर्टिलाइजेशन नहीं है ये बोला था ठीक है अगर मैंने कहा मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो क्या है? है। ठीक तो हम लिखेंगे लेकिन मैंडेटरी इवेंट नॉट अ फिक्सेशन की ऐसा ही होगा क्योंकि मेंस्ट्रुएशन नहीं होना ये कई बार पुअर हेल्थ पुअर लाइफस्टाइल को भी इंडिकेट करता है हाई स्ट्रेस लेवल्स को भी इंडिकेट करता है हॉर्मोनल इंबैलेंसेस को भी इंडिकेट करता है ये कोई डिजीज कंडीशन जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज को भी इंडिकेट कर सकता है ठीक है तो हाउ एवर इट मे बी कॉज ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज लाइक स्ट्रेस पुअर हेल्थ एटसेट्रा वेर एटसेट्रा इज अ लॉर्ड ऑफ बिग थिंग ठीक है तो ये बातें हैं फिजिकल एक्सरसाइज इज अंडेट्री फॉर एवरी वेमेन टू कैरी ऑन ठीक है कई बार क्या होता है जो है बच्चे अर्ली एजिस में दे आर सो मच एंगेज इन द स्टडीज एंड एवरी अदर यू नो करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ द स्कूल टेकिंग प्लेस वेर दे फोगेट अबाउट द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दे फोगेट अबाउट द फिजिकल हेल्थ मेंटेनेंस एंड दिस इज़ अ पॉइंट टू टेक अटेंशन ठीक है तो कोशिश करो कि हमेशा जॉगिंग रनिंग और ये फिजिकल एक्टिविटीज जरूर करते रहें अगर ये फीमेल स्टूडेंट्स लेक्चर देख रही हैं तो एंड अगर कोई मेल स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं तो अपने सिबलिंग सिस्टर्स जो हैं या अपने कजन सिस्टर्स जो हैं अपने फैमिली मेम्बर्स में जो लड़कियाँ हैं उनको ये सजेशन ज़रूर दें दैट यू नीड टू टेक आउट द फिजिकल एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू मेंटेन अ गुड रिपोडडक्टिव हेल्थ ठीक है सो दिस इज़ डन देंस्ट्रल फेज इज़ फॉलोड बाई द फॉलिकुलर फेज ये हमने देखा ऑलरेडी बताओ देखा ना सबको मैं रिलेट करवा रही हूँ हर पॉइंट को मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद में होती है फॉलिकुलर फेज अब तुम समझ रहे हो कहाँ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे यहाँ गड़बड़ हो रही है कि किधर किधर की बात हो रही है ठीक है तो देखो किधर की बात हो रही है ये मेंस्ट्रुअल फेज होने के बाद में हो रही है इधर फॉलिकुलर फेज़ ठीक है तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं फॉलिकुलर फ़ेज़ प्री ओविलिटरी फेज को ही बोल रहे हैं हाँ यहाँ लिख दूँ मैं ताकि तुम्हारे लिए कन्फ्यूजन ना हो ओके हम ऐसे करते हैं इधर लिख देते हैं ये है अरे बहुत सारा मिटाना पड़ेगा इसमें एक मिनट हां थोड़ा थोड़ा ये इरेज करना पड़ेगा ताकि यहां मैं कुछ कुछ लिख पाऊं ठीक है प्लीज वेट ओके सो लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ओवर हियर इज दैट दिस किधर गया दैट दिस इज दॉलिक्यूलर फेस अरे लिखा तो था ऊपर कोई बात नहीं ठीक है फॉलिकुलर फेज है ना एंड दिस इज दुलेटरी फेज ओव्यूलेटरी फेज ठीक है एंड दिस वन इज द ल्यूटियल फेज ठीक है समझ गए ना तो इसके जस्ट बाद हो रही है ये वाली फेज मतलब कि जैसे कि एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार मेन्स्ट्रोएशन हो गया तब अगले फॉलिकल को आगे प्रमोट कर देना है ठीक है बैठे नहीं रहेंगे वो इंतजार में वो तुरंत ही अगले फॉलिकल को प्रमोट कर देंगे अगली साइकिल चालू करो ठीक है ऐसे करके ड्यूरिंग दिसमरी ग्रो टू प्राइमरी मेच्योर एंडिकल एंड साइमलटेनियत ही साथ में दल लाइनिंग ऑफ यूटरिसन मतलब कि मैं ये बोलू क्याल फेज जहां ओवरी में हो रही है उसी समय पर साथ ही में हम बोलेंगे प्रोलीफरेटिव फेज हो रही है यूट्रस में इसलिए इनको इंटरचेंजेबल लिखना गलत नहीं होगा ठीक है क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियस इवेंट है अलग अलग लोकेशन पे दी चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंडियोस बाय चेंजेस इन द लेवल्स ऑफ द पिट्यूटरी एंडर इन हॉर्मोन्स एज वी ऑलरेडी नो कि एफ बढ़ेगा ठीक है इसीलिए एस्ट्रोजन बढ़ेगा इसीलिए प्रोलिफरेशन होगा इस प्रकार से बात हो रही है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं द सीक्रेशन ऑफ दी गोनाडोट्रोपिन एल एंड एफ एस एच इनक्रीज ग्रेजुअली बढ़ता है धीरे धीरे ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा एंड स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स मतलब कि क्योंकि एफ एस एच और एल एच का लेवल बढ़ रहा था थोड़ा थोड़ा करके इसीलिए एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा ठीक है और एस्ट्रोजन के लेवल को ज्यादा बढ़ने के कारण से LH का लेवल और ज्यादा बढ़ेगा ये मैंने आप लोगों को पॉजिटिव फीडबैक बताया था ठीक है बोथ द द एंड अटेन अ पीक लेवल इन ऑफ साइकिल नॉट ओनली टू हॉर्मोन बट ऑल्सो एस्ट्रोजन इसको क्यों काउंट नहीं किया तो हम बोलेंगे कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन कौन कौन से हॉर्मोन की पीक हमें देखने को मिलती है एफ एस एच एल एच एंड एस्ट्रोजन अटेन्स पीक इनकी हमको पीक देखने को मिलती है ठीक है ओके रैपिड सिक्रेशन ऑफ एल एच लेकिन एल एच के ज्यादा बढ़ने के कारण ही रपच्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है और ओविलेशन होता है और वही वाला पॉइंट यहां लिखा है तो बट यहां पर मैं लिख देती हूं बट बट मेनली एल एच सर्ज कॉजेस ऐसा बोल रहा है ये वाला पॉइंट ठीक है चलो दिलेट्री फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज अब अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि क्योंकि फॉलिकल जो है उससे सेकेंडरी ओसाइट बाहर चला गया तो बचे कुछ स्ट्रक्चर को कॉर्पस ल्यूटियम बोलना है मतलब कि ओविलेशन के तुरंत बाद में ल्यूटियल फेज आनी ही है ठीक है और इस प्रकार से कॉर्पस ल्यूटियम का बनना दर्शाता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन च इज इजेंशियल फॉर देंटेनेस ऑफ देंडोमेट्रियम ठीक है कॉर्पस ल्यूटियम ढेर सारा प्रोजिस्ट्रॉन बनाएगा और यहां पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रुजिस्ट्रान, प्रुजिस्ट्रान, ठीक है दैट ठीक मेन फंक्शन इज मेंटेन्स मेंटेन्स द दोलिफरेटेड एंडोमेट्रियम मतलब कि जो ऑलरेडी एस्ट्रोजन ने प्रोलीफरेट कर दी थी लेयर उसको वैसे के वैसे मेंटेन करना ये काम है प्रोजिस्टॉन का ठीक है मेंटेन्स द प्रोलीफरेटेड एंडोमेट्रियम ओके सो दिस इज डन नेक्स्ट देखते हैं सर्च एन एंडोमेट्रियम इज नेरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी डेफिनेटली इन एंडोमेटेरियल लाइनिंग प्रोलीफरेटेड होगी अगर तो ही हम बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जयगोड बना जायगोर्ड से टू सेल स्टेज, फोर सेल एट सेल सिक्सटीन सेल थर्टी टू सेल ब्लास्ट और सिस्ट बन जाएगा और ब्लास्ट और सिस्ट आके इम्प्लांट होगा जब तो वो उसको एंडोमेट्रियल लाइनिंग थोड़ी तो थिक चाहिए कि वो धस सके उसके अंदर ठीक है तो उतनी ही थिक लेयर मेंटेन करना जरूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी

द मैंस्ट्रल साइकिल क्लियर लाइक नेवर बिफोर ठीक है तो अगर अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज vale मैंशन इन द कमेंट्स एंड तो ट्राई टू शेयर द लेक्चर्स एज मच एज पॉसिबल नाउ नेक्स्ट देखते हैं इन ह्यूमन बींग्स द मेन्स्ट्रल साइकल सीज इज अराउंड पचास साल जिसको हम लोग मेनूपॉज बोलते हैं ये तो पहले बता दिया मैम ने राइट साइकिलेशन ये दिखाती है ये दर्शाती है कि नॉर्मल ये रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो चल रही है मतलब कि मेनार्क और मेनूपॉज के बीच का समय अवधि दिखाती है मैंने बताया आप लोगों को ये मैंस्ट्रेशन यहां यहां होता है इस पर्टिकुलर एज के अंदर जो पॉसिबिलिटी uh, बैठती है वहां पर वो हो रहा है सो दिस इज डन ठीक है नाउ नेक्स्ट इज दैट द मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है नाउ बिकॉज वी एज वी सेड दैट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गोइंग टू रिजल्ट इन टू मैंस्ट्रोशन एज अ फेज वेयर द ब्लड विल कम आउट और द लीक आउट फ्रॉम द वेजनल कैनाल राइट नाउ दिस लीकिंग आउट ऑफ द ब्लड

है ना और ब्लड अगर प्रोटीन्स में रिच है तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांसेस भी हैं ईस्ट के इन्फेक्शन के चांसेस भी हैं ठीक है पैरासैटिक इन्फेक्शन के चांसेस भी हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इसीलिए एक सैनिटरी कंडीशन मेंटेन करने के लिए द तो फीमेल्स विल नाउ यूज ठीक है सम ऑफ दी वी कैन से द हेल्पिंग एड्स ठीक है विच एवरी वन प्रोबेबली नाउ डेज नोस बिकॉज ऑफ द पैडमैन मूवी ठीक है तो हम यहां पे बोलेंगे दी पैड्स okay which can vary from brand to brand they can be of different types taken okay? but the main purpose is to absorb the menstrual fluid also nowadays females are using tampons as a device okay? these tampons are those devices which are inserted in the vaginal canal and they will absorb the menstrual fluid okay also there are females uh, generally, not, not that much prominent in India, but more prominent in the other countries, the US and every uh, everywhere else. The females are also using the menstrual cups. Take care. where but these are the cups which can which can be fitted inside the vaginal canal. They will take up all the we can say blood which is leaked, and these cups will be taken out by the female. Take care. timely basis, pay and the blood will be thrown out. Okay.

And these sanitary napkins should be changed in a particular duration of time, which should be 4 to 5 hours. And this is a mandatory thing to avoid the bacterial and other infections which may take place because of the continuously present moist conditions and the blood as a source of food for them. Right? So, like, like these are the things which we need to understand. और क्या कर सकता है तो बोलेंगे दैट दीज सिंस दे आर वेरी मच रिच इन यू नो हम बोलेंगे दैट दे आर एक्चुअली कंटेनिंग लॉट ऑफ ब्लड राइट देयर बाय दीज शुड बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली सो दैट दे आर नॉट ईटन एनी अदर ऑर्गेनिज्मीज शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड आल्सो वेयर दे शुड बी प्रॉपरली रैप्ड पेपर ठीक है एंड दे शुड बी थ्रोन In the dustbin and not in the drain pipes of the toilet or any open area because if they are actually thrown up in an open area, they can be uh, attacked by or they can be, you know, by mistaken eaten by some of the other organisms which may cause harm to them. Okay, after handling all these things, the person or the female should wash their hands with soap. So these are some of the basic etiquettes, the basic uh, things which, which a, every female needs to

इंग्लिश का बहुत इस्तेमाल करने के कारण से और जब मैं कॉलेज में थी वेन आई वोजन आई थी तो दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी वर हैविंग फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ एंड आंध्रा एंड एवरी अदर प्लेस राइट सो दे वर हैविंग देर ओन लैंग्वेजेस उनकी अलग अलग भाषाएं थी तो वहाँ इंग्लिश का इस्तेमाल इतना करने के लिए आदत पड़ गई कि इंग्लिश में बात करें ठीक है हालांकि ऐसे मैं घर में नहीं करती हूँ वरना मुझे बाहर की तरफ बहिष्कृत कर दिया जाएगा तो प्री मैंस्टुरल की uh, क्या बता रही थी मैं प्री मैस्टुरल सिंड्रोम हाँ ये देखते हैं क्या होता है कि एवरी फीमेल व्हेन शी इज एक्चुअली गोइंग टू हैव द मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है सिंस द यूट्रस इज वाइपिंग यू यू नो नो एवरीवन द द यूट्रस यूट्रस इज इज वाइपिंग उसने बहुत मुश्किल से एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक किया था और वो वापस से शेड करनी पड़ रही है है ना तो इस पर्टिकुलर मोमेंट तो ऑफ टाइम पे कुछ अलग ही प्रकार के बिहेवियरल चेंजेस फीमेल्स में देखने को मिल सकते हैं जिसको कलेक्टिवली प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोला जाता है जहां पर फीमेल्स में गेट इरिटेटेड they might have mood swings, like anything. They might throw some of the objects over you. so these are uh, these are the mood swings. They might become moody. They might laugh at particular moment of time. They might uh, you know cry at particular moment of time. so these are some of the things which actually every female might suffer just before the menstrual cycle. टू टू थ्री डेज बिफोर ओके सो मूड स्विंग्स कैन कम ब्लोटिंग और एक्स्ट्रा गैस प्रोडक्शन माइट अपियर इन दबडोम क्रैम्स और द पेन ठीक है इन द लोअर बैक एट्सेट्रा एंड हैड एक माइट बी देयर ओके एंड ए कने अपीयर इन स्कैन बी अ पॉसिबिलिटी दीज आर ऑल द कलेक्टिव थिंग्स विच आर कैटेगराइज एज अ प्री मेन्स्ट्रल सिंड्रोम वेयर यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल द फीमेल्स ऑफ योर फैमिली ठीक है तो इस समय पर अपनी फ्रेंड्स की अपनी अगर आप गर्ल हैं तो अपने फ्रेंड्स की ठीक है अगर आप बॉय हैं तो अपने फ्रेंड्स की और अपने फैमिली में जितने भी और लड़के हैं उनकी थोड़ी सी केयर करो सो दैट दे मे दे मे यू नो नॉट गेट द वर्सनिंग अप ऑफ ऑल दिज सिम्टम्स एंड एशूज इन फैक्ट दे मे फील हैप्पी एंड दे मे फील हील्ड अप सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन्स्ट्रुल साइकिल टू आई एम जस्ट गोइंग टू राइट समथिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर एवरी वन ओवर हियर अदरवाइज ये छूट गया तो मेरा मामला हो गया गड़बड़ ठीक है तो देखो ये है वो है ये वन टू थ्री से लेके वन टू फाइव डेज ठीक है ये शॉर्ट नोट है बच्चा ध्यान रखना प्लीज ठीक है ये हो जाएगा है ना हो रहा था इसमें कौन सा हार्मोन गड़बड़ हो गया था बता दो प्रोजिस्ट्रॉन की विड्रॉल के कारण प्रोजिस्ट्रॉन विड्रॉल है ना नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है ठीक है उसके बाद आ जाएगा थ्री और फाइव टू We will say thirteenth day approximately. It will become the it will become the proliferative <clears throat> phase. On the other hand, it will become the follicular phase in ovary where the hormones level will be increased, will be FSH, LH and estrogen. बी इंक्रीज ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा फोर्टीन डे पे पीक ऑफ एल एच एफ एस एच एंड एस्ट्रोजन विल भी सीन ठीक है एंड ओविलेशन विल अकर तो इट विल बी कॉल ओविलेटरी फेस ठीक है एज अ रिजल्ट ऑफ एल एच सर्ज ठीक है फिर आता है फिफ्टींथ से लेके तो और ट्वेंटी एथ टू ट्वेंटी नाइन्थ डे विल बी द सीक्रेटरी फेज और वी कैन ऑल्सो से दिस एज दॉलीफ्रेटिव सीक्रेटरी इधर क्या ल्यूटियल फेज ल्यूटियल फेज ठीक है चलो इधर क्या होगा द प्रोजिस्ट्रॉन levels will be increased up in this particular time and the estrogen levels will be increased up in particular time okay so these are some of the things which we need to summarize now this is all about the menstrual cycle if you have any kind of doubts you all can please ask me in the comment section and we'll try to answer most of the answers okay so bye everyone we'll meet in the next lecture now